हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीए ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। जैसे कि आप जानते हैं, आप लोग के एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे जा रहे हैं और प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन एज इट इज वैसे ही पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और वो सारे क्वेश्चन मैंने इससे पहले भी डिस्कस किया हुआ है और यही वजह है कि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन मुझे मिल रहे हैं सभी पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और जब 2019 की बात करें, आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए 2019 में जो ये क्वेश्चन पूछा गया है इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको डील करा दूं ताकि कल का एग्जाम आपका बहुत बेस्ट तरीके से हो जाए, ठीक है। अभी हम लोग यहां से चलते हैं। ये देख लिया आपने, टीचिंग एंड लर्निंग का पेपर है, ठीक है। इसमें हम लोग समझते हैं नीचे चल के ऑब्जेक्टिव वाला जो क्वेश्चन है, बाकी तो मैंने आपको करा दिया है। देखिए यहां पर इन्होंने दिया हुआ है, यहां देख सकते हैं आप, ये देखिए यहां पर, ये देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है ये कहते हैं, यहां देख सकते हैं आप, ये देखिए ये कह रहे हैं कि हु इज गिवन इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, ठीक है ना। इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग किसने दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसका जो आंसर है, इनसाइट ऑफ लर्निंग थ्योरी किन्होंने दिया है, ये थ्योरी दिया हुआ है किन्होंने, कोहलर ने, ठीक है ना। इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग किन्होंने दिया है, कोहलर ने दिया है। उसके अलावा अगर बात करें तो पावलो ने क्या दिया है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दिया है। थॉर्नडाइक ने क्या दिया है, थॉर्नडाइक ने ट्रायल एरर थ्योरी दी है। और बी एफ स्किनर ने क्या दिया है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दिया है। ये क्लियर हो गया आपको, मैंने सारा बता दिया, ठीक है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि गेस्टाल्टियन एम्फेसाइज ऑन, यानी कि इसको हिंदी में देख लें आप ज्यादा इजी रहेगा। ये कह रहा है कि गेस्टाल्टवादी है वो किस पर ज्यादा बल देता है, ठीक है ना, किस पर वो ज्यादा बल देता है। तो पहला है आपका अभ्यास, दूसरा है पुरस्कार, तो तीसरा है आपका संवेग और उसके बाद प्रत्यक्षीकरण, ठीक है ना। तो आपने पढ़ा होगा गेस्टाल्टवादी जो है सबसे ज्यादा किस पर बल देता है, प्रत्यक्षीकरण यानी पे परसेप्शन पे, क्योंकि ये लोग ये मानते हैं कोई भी चीज जब किया जाए तो वो किस तरीके से, संपूर्ण तरीके से किया जाए, ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद आता है आपका द गोल ऑफ टीचिंग इज, ठीक है ना। द गोल ऑफ टीचिंग इज क्या आएगा इसका, पहला है आपका देखिए टू गिव इंफॉर्मेशन, यानी कि बच्चों को इंफॉर्मेशन देना। दूसरा है आपका टू इन्वॉल्व पुपिल्स इन एक्टिविटीज, ठीक है ना। उसके बाद आपका है टू इम्पार्ट नॉलेज, है ना, डिस्क्राइब चेंज इन बिहेवियर, ठीक है। देखिए अब आप समझिए इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा वो कौन सा आंसर होगा, इसका आंसर होगा ये देखिए ये वाला, टू इन्वॉल्व पुपिल्स इन एक्टिविटीज। क्यों होगा, देखिए सिर्फ टीचर का काम यहां पर पहले नंबर पर जो है टू गिव इंफॉर्मेशन, सिर्फ टीचर का काम सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं है। उसके अलावा देख सकते हैं अब यहां पर ये वाला जो ऑप्शन मैंने बताया इसका आंसर होगा इन्वॉल्व करना जरूरी है बच्चे को, अगर आप बच्चे को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो बच्चा नहीं सीखेगा, ठीक है, है ना। उसके बाद है कि क्या कहते हैं टू इम्पार्ट नॉलेज भी नहीं है, डिस्क्राइब चेंज इन बिहेवियर, ठीक है। तो क्या कहते हैं डिजायरेबल चेंज इन बिहेवियर क्या होता है, बिहेवियर में चेंजिंग तो आपको लर्निंग के थ्रू से करते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर है वही होगा जो मैंने आपको बताया अभी। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे, देखिए चौथा जो क्वेश्चन है विच इज नॉट द फैक्ट पॉइंट ऑफ ट्रेंगर प्रोसेस ऑफ टीचिंग, ठीक है ना। ये इनको हिंदी में समझिए ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए निम्न में कौन शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया का केंद्र बिंदु नहीं है, ठीक है ना, त्रिमुखी प्रक्रिया का केंद्र बिंदु नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, पहला जो है आपका यहाँ देख सकते हैं टीचिंग मेथड, दूसरा है आपका टीचर और तीसरा है आपका पुपिल और चौथा है आपका कंटेंट, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर होगा वो आंसर कौन क्या कहते हैं कि कौन सा होगा, इसका आंसर होगा आपका टीचिंग मेथड। क्यों, क्योंकि इन्होंने नेगेटिव में पूछा हुआ है, देखिए ना, निम्न में कौन शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया के केंद्र बिंदु नहीं है, तो ठीक है ना, ये तीनों तो केंद्र बिंदु है, ठीक है ना, कौन कौन है, टीचर भी है, उसके बाद पुपिल भी है और तीसरा जो है आपका कंटेंट भी है, बट इन्होंने नहीं पूछा है तो कौन सा होगा, टीचिंग मेथड नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि विच इज नॉट ए फैक्टर ऑफ मोटिवेशन, अब इसको अच्छे से समझिए, ठीक है ना। ये कह रहे हैं कि कौन मोटिवेशन का फैक्टर नहीं है, पहला है आपका पुरस्कार देना, दूसरा है आपका इंसेंटिव जिसे क्या बोलेंगे प्रोत्साहन करना, तीसरा है आपका प्राइज करना यानी कि प्रशंसा करना और चौथा है आपका प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास करना, ठीक है, अभ्यास करना। तो इसका आंसर इन्होंने क्या पूछा हुआ है, विच इज नॉट ए फैक्टर ऑफ मोटिवेशन, ठीक है ना। तो आप यहां पर इसका जो आंसर होगा क्या होगा, इसका जो आंसर
होगा वो होगा आपका प्रैक्टिस। क्यों प्रैक्टिस क्यों इसका आंसर होगा, क्योंकि बाकी जो है प्राइस जो है उसके प्राइस से क्या होता है, जैसे कि पुरस्कार है ठीक है ना, पुरस्कार से उसमें क्या होती है, पुरस्कार से उसमें क्या मोटिवेशन आता है ठीक है, प्रोत्साहन से भी आता है, प्रशंसा से भी आता है, लेकिन अभ्यास जो है उसका मोटिवेशन का नेक्स्ट लेवल है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद छठा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स चाइल्ड्स फिजिकल ग्रोथ, इसको हिंदी में समझ लीजिए अच्छे से, देखिए निम्न में से कौन बालक के शारीरिक वृद्धि को इंगित करता है ठीक है, इसने ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है, एक है नेगेटिव, एक है क्वांटिटेटिव, एक है क्वालिटेटिव, एक है पॉजिटिव। तो नेगेटिव और हिंदी में समझ लिया ना आपने, शारीरिक वृद्धि को इंगित करता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव तो हट जाएगा, ये दोनों तो है ही नहीं ठीक है ना। इसका जो क्या कहते हैं कि शारीरिक चीजों को कौन बताता है, कौन बता सकता है, तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा क्या होगा आंसर इसका, ये देखिए यहाँ पे इसका जो आंसर होगा ये होगा आपका क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है जिसको कि नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, क्योंकि आपने जो पढ़ा होगा क्या पढ़ा होगा आपने, विकास एंड वृद्धि जो पढ़ा होगा आपने, उसमें देखा होगा कि जो क्या कहते हैं कि विकास होता है वो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों होता है। तो शारीरिक की जब बात आती है तो शारीरिक में आप देख सकते हैं, देखिए शरीर को नाप भी सकते हैं, तोल भी सकते हैं, शरीर को जो है क्या कहते हैं कि मेजरमेंट भी किया जा सकता है, तो उसमें उसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वांटिटेटिव हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, देखिए विच वन डजंट इंडिकेट चाइल्ड्स इमोशन, ठीक है चाइल्ड्स इमोशन कौन इंडिकेट नहीं करता है, देखिए फिर से इन्होंने नहीं करके पूछा हुआ है ठीक है, तो नहीं जब पूछा हुआ है तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा, मैं आंसर बता देता हूँ फिर मैं आपको समझाऊंगा, इसका जो है टॉलरेंस जो होगा टॉलरेंस नहीं करता है ठीक है ना, इसको आप हिंदी में समझिए, निम्न में से कौन बालक के संवेग को इंगित नहीं करता है। देखिए यहाँ पर जो है प्रसन्न क्या कहते हैं, प्रसन्नता तो करता है ठीक है ना, प्लीजर जो है उसके अंदर जो खुशी आती है उससे तो क्या होता है उसके मोटिवेशन को ये करता है, उसके बाद सोरो भी करता है और उसके बाद क्यूरियोसिटी भी करता है ठीक है ना। देखियो प्रसन्नता, खुश होना, दुखी होना और उसके बाद जो है जिज्ञासा, ये तीनों जो है उसको करता है मोटिवेट, लेकिन जो इसके बाद जो है क्या कहते हैं सहनशीलता जो है ये मोटिवेशन का कोई रूप नहीं है, तो यही पूछा हुआ है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, इसका आंसर जो है सहनशीलता वाला इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कोहलर डन हिज फेमस एक्सपेरिमेंट ऑन, देखिए कोहलर जो थे, कोहलर ने अपनी जो थ्योरी दी है उस थ्योरी में जो रिसर्च किया है उस रिसर्च में किस एनिमल पे उन्होंने रिसर्च किया है, क्या वो मंकी है, क्या वो चिंपैंजी है, क्या वो डॉग है, क्या वो कैट है, तो आपको पता है कि इसका जो आंसर होगा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा चिंपैंजी, जो सुल्तान के नाम से था आपको अच्छे से पता है। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ठीक है यहाँ पर क्या पूछ रहा है, देखिए हिंदी में समझिए इसको, बहुत देखिए घुमा के पूछा हुआ है क्वेश्चन, आपको नहीं से आपको समझना है अच्छे तरीके से, कौन बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है, देखिए तत्व नहीं है पूछा हुआ है, तो आप देखिए पहले यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने नहीं है पूछा हुआ है ना, देखिए यहाँ पर इसका आंसर किस तरीके से बनेगा, देखिए पहला है आपका क्रिएटिविटी, दूसरा है आपका टॉलरेंस, तीसरा है आपका थिंकिंग और चौथा है आपका इमेजिनेशन। देखिए क्वेश्चन क्या है, विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी कि आपका जो ये है बौद्धिक विकास है का तत्व नहीं है, बौद्धिक विकास का तत्व कौन नहीं है, देखिए क्रिएटिविटी तो है ठीक है ना, उसके बाद जो है आपका इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा आपका टॉलरेंस, यानी कि टॉलरेंस नहीं है। अब किस तरीके से नहीं है उसको समझिए, देखिए क्रिएटिविटी से आपका जो क्या होता है इंटेलेक्चुअल से आपका डिपेंड होता है, उसके बाद थिंकिंग भी होता है, इमेजिनेशन भी होता है, तो इन्होंने नहीं पूछा है तो टॉलरेंस इसका आंसर हो जाएगा। दसवां क्वेश्चन ये क्या कहते हैं, दसवां क्वेश्चन आप देख लीजिए, The highest level of cognitive domain is, highest level क्या है वो synthesis है, analysis है या comprehension है या फिर evaluation है, तो highest level आपको पता ही होगा अच्छे तरीके से कि last में हम क्या करते हैं, evaluation करते हैं, तो इसका answer क्या हो जाएगा, आपका answer जो हो जाएगा वो evaluation हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए हाँ तो यहाँ तक आपका जो आंसर है कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, किसी तरह की क्वेरीज हो तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।